सो हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेंड होप्स। दिस इज शुभम, करेंटली स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प इन फिलीपींस। ओके, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। ओके, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू अबाउट द बेस्ट पार्ट अबाउट MBBS इन फिलीपींस। ओके, लाइक आई कैन काउंट ऑन लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड इन फिलीपींस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके दैट यू विल गेट इन फिलीपींस दैट यू वोंट गेट इन इंडिया ऑल्सो। ओके, या देर इज वन थिंग दैट इज वेरी गुड एंड दैट यू वोंट गेट इन इंडिया। हाउ मच आई नो, यू माइट गेट दैट थिंग, बट स्टिल मेरे को लगता है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, सीरियसली। और ना मैं वीडियो में अभी नहीं बता रहा, तुम लोग आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हो, तो यार वीडियो पूरा देखो, मैं बीच में बता दूंगा क्या चीज़ है, बिकॉज इन दिस वीडियो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। ओके, और एक काम करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, ओके, स्पेयर सम टाइम आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव अ थम्स अप, कॉमेंट द डाउट्स दैट यू आर हैविंग, एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट डू शेयर दिस वीडियो आउट एंड लेट्स गेट इन टू द वीडियो। So now the thing that I've been speaking about, the best part about MBBS in Philippines, okay, that is better than in some cases in India, is the exam pattern, okay, and how the exams are being held. So here all the exams are objective type exams, okay, objective based questions, MCQ based questions you will be asked in all the exams. It might be prelims, midterms or finals in AB Psychology, or these exams can also be your long exams or finals or lab exams also in MD फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर। ओके, सो ये जो चीज है ना, इट एक्ट्स एज अ बिग प्लस। ओके, MBBS इन फिलीपींस अगर आप देख रहे हो दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ यह है ना, अगर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स देते हैं, इससे हमको पर्टिकुलर और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, एक चीज़ के बारे में। अगर हम वो चीज़ आंसर करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है आजकल क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस का ज़माना मतलब पूरा चेंज हो चुका है। ओके, इट इजंट दैट कि एक स्टेटमेंट आया और उससे आपको एक आंसर होगा। ऑप्शन में भी ऐसे दो तीन ऑप्शंस होते हैं विच आर वेरी सिमिलर, और उस सिमिलर से आपको प्रायोरिटी बेस पे चूज करना होता है विच इज़ मोर करेक्ट। ओके, तो इस चीज़ के लिए ना आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। ओके, सो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में ये प्लस होता है, और जबकि इंडिया में जैसे थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, हाँ ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ता है, नॉलेज होना चाहिए, बस थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स में क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है और थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, आप कुछ तो लिख सकते हो, तो ये चीज़ है, मतलब हाँ ये फ़ायदा है। मतलब ऑब्वियसली इंडिया एंड ऑल मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिलीपींस का ठीक ठाक है, बट हाँ ये जो चीज़ है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फ्यूचर में भी हम जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देंगे, भले ही वो FMG हो आज की डेट में, NIT PG हो, या फिर फ्यूचर में जो नेक्स्ट हो जाएगा, सारे एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होने वाले हैं, सब में MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे। एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शंस होंगे, पाँच ऑप्शंस होंगे, भले ही उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही करेक्ट आंसर हो या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो, बट द थिंग इज कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज़ में जो बच्चे फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमको ऑब्वियसली फ़ायदा करेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्वेंटेड हैं इस स्टाइल के एग्जामिनेशन से। जैसे आप लोग ना NIT का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, और जब आप कोचिंग सेंटर्स जाते हो, जैसे LN कोचिंग सेंटर जाते हो 11th 12th के लिए, तो वहाँ पे भी जो सारे एग्जाम्स होते हैं ना, NIT पैटर्न में होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ताकि आप फेमिलियराइज हो पाओ। तो मतलब उसी लिहाज से अगर आप देखो, तो जो एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए गोइंग टू बी द बिगेस्ट एग्ज़ाम उसके करियर में, क्योंकि ये लाइसेंस कम NIT PG के लिए भी सीट्स के लिए वही एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन के लिए हमको दूसरे कोचिंग्स ज्वाइन करके एग्जाम्स एंड ऑल ग्रैंड टेस्ट देने पड़ते हैं, मैरो हो, प्रेप लेटर हो, हर चीज़। तो इस केस में फिलीपींस में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चंस पिछले 4 से 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। तो मतलब अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं करते हो ना, तो साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रिपरेशन होता चलता है, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली आपको उस चीज़ के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ वेरी साउट आउट थिंग अगर आप देखो तो फिलीपींस का, कि हाँ ये एक मेजर एडवांटेज बन जाता है। बहुत बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता है, ठीक है, कि ऐसा भी होता है, जो बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं, क्योंकि एजेंट्स भी नहीं बोलते, सच बात यह है, क्योंकि उनको भी इतना नॉलेज नहीं है। वो मतलब हॉस्टल्स और सब कुछ बता सकते हैं, बट पढ़ाई के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं कि मतलब वहीं फिलीपींस से पढ़ के आए हों और ऐसा कर रहे हों, मतलब उसका समझ रहे हो ना, मतलब होते होंगे बट बहुत कम होते होंगे, ठीक है। तो सारा नॉलेज रखने वाला भी आपको मिलना चाहिए, जो आपको बता सके ये सब होता है। सो मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए कि मतलब क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग दैट यू शुड कंसिडर, क्योंकि फ्यूचर में आगे तो नेक्स्ट ही आने वाला है, तो उसको हम नज़र में रख के एडमिशन ले रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली मतलब उसका जो मतलब एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, क्वेश्चंस आएंगे उसके चक्कर में अगर आप देखो ना, तो फिलीपींस टर्न्स आउट टू बी गुड ऑप्शन, मतलब एग्जामिनेशंस एंड ऑल के चक्कर में, क्योंकि अभी ना सारे एग्जाम्स एमसीक्यू पैटर्न होते हैं, ठीक है, लैब एग्जाम्स भी एमसीक्यू पैटर्न ही होते हैं, ठीक है। तो हाँ, इट टर्न्स आउट टू बी गुड थिंग। अगर आपको लगता है कि लैब एग्जाम्स कैसे एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं, तो वो प्रोजेक्टर होता है और उस पर कैडेवर्स के फोटोज आते हैं और मार्क्ड होता है कि ये कौन सा मतलब है, लाइक दिस इज विच पार्ट, ऐसा करके मार्क्ड होता है और लेवलिंग होता है। और उसमें आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं और वो आपको जो एक आपको सीट मिलता है, ठीक है, उसको स्कैंट्रॉन बोलते हैं। वहाँ पे आपको स्कैंट्रॉन मिलता है और आप स्कैंट्रॉन में एग्जाम्स देते हैं, जैसे नीट का पेपर होता है ना, वैसा ही परपेचुअल का होता है। तो स्कैंट्रॉन मिलता है, आपको स्कैंट्रॉन में भरना होता है, ठीक है। सो यू हैव टू हैव वन स्कैंट्रॉन और सारे आपके एग्जाम्स जो होंगे वो स्कैंट्रॉन में ही होंगे, ठीक है। कि जो स्कैंट्रॉन होता है, इट इज़ द सेम डिजाइंड एज ऑफ नीट, बस इसमें परपेचुअल का लिखा रहता है और आपको नाम भरना होता है, नॉर्मल सब सब कुछ होता है, और इस पर आपको गोल गोल करके मार्क करना होता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और आगे वीडियो देखना। संडे, हर संडे को भी वीडियोज आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू ऐड ग्रेट वैल्यू टू योर लाइफ। सो डू वॉच ऑल दोज वीडियोज और सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।